हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इट्स वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स कंपोनेंट। अब आपको एक चीज जरूरी बता दें, वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या हैं, क्या क्या उसकी चीजें हैं, क्या क्या उसमें एग्जांपल्स हैं, आपको बताए थे। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके वाइटल कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के? ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड होता है, कंज्यूमर से रिलेटेड होता है, प्राइस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है को रिवाइज करेंगे, प्रोड्यूसर से रिलेटेड होता है, आपका प्राइस से रिलेटेड होता है, डिमांड सप्लाई से भी होता है। क्लियर? अब हम इस पर फटाफट से करते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इन सबको देख करके आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या आता है? कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, उसकी क्या थ्योरीज होती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ, अभी इसके बारे में एक और रिव्यू करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। थ्योरी ऑफ डिमांड, हम उसमें अपने मार्केट की डिमांड के ऊपर फोकस करते हैं। थ्योरी ऑफ सप्लाई में सप्लाई के ऊपर फोकस करते हैं। अब अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके बताऊं तो मार्केट में डिमांड का जो कर्व है वो कैसा है और सप्लाई का कर्व कैसा है वो डिपेंड करता है। इसको हम अगर हम अपना इक्विलिब्रियम वगैरह बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, वेयर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द पॉइंट। बेसिकली इक्विलिब्रियम कहीं लोग नहीं समझ पाते। देखो इक्विलिब्रियम में सिंपल सी बात है, जहां पर आपकी प्राइस और आपकी डिमांड सेम होगी, यहां सेम। क्लियर? आप जो मैंने अपनी बात बोली है उसी में देखो, सपोज क्वांटिटी है, ये प्राइस है 4 क्वांटिटी थी, 1 2 3 4। ठीक है, ये देखो 4 4। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को पॉइंट बना दिया, जिसको आप अपने इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे कम नहीं होता, प्राइस है एक, क्वांटिटी है 3। ठीक है, क्लियर होगा? ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था इसका। क्लियर? थ्योरी ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया। थ्योरी ऑफ प्राइस, सबसे अच्छी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? व्हेनेवर यू आर मेकिंग द बिजनेस, व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी, आपको प्राइस के ऊपर थ्योरी करना बहुत जरूरी है। क्या भाई प्राइस के ऊपर हमें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे, मतलब क्या करना चाहिए प्राइस के ऊपर, प्राइस के ऊपर क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है और टाटा ग्रुप है, दोनों ने फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनीज में काम किया। अब टाटा मोटर्स ने तो फटाक से अच्छी भी अपनी कार निकाल दी, टाटा नैनो, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत लेने लायक है, मतलब वो आसानी से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उस कार को ले लेगा। लेकिन जो आपके रिलायंस इंडस्ट्री है, वो जितनी भी गाड़ियां निकाल रहे हैं सारी लग्जीरियस निकाल रहे हैं, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, ऐसी, मतलब नॉट दैट, उसके अल्टरनेट्स निकाल रहे, मतलब सारी गाड़ियां फॉर एग्जाम्पल मोटा मोटा समझो 50 लाख से ऊपर, तो क्या हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन
हमारा प्राइस थ्योरी इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा और हमें उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी में चेंज करके टेक्नोलॉजी में एड ऑन करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारना पड़ेगा, नहीं तो इसकी डिमांड कितनी उठेगी। सबसे अच्छा इकोनॉमी का मैं आपको एक और इसमें एग्जाम्पल बताता हूं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप क्या देखोगे, वहां पे लग्जरी गाड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इंडिया में भी अगर आप पीछे का न्यूज़पेपर उठा के देखोगे टाइम्स इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में, तो मर्सिडीज गाड़ियां दिवाली पे धनतेरस पे इतनी बिक जाती है जितनी हमारी होंडा वगैरह भी नहीं होती। तो हम यही कह सकते हैं कि इंडिया में लोग मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियां नहीं खरीदते, बिल्कुल खरीदते हैं। लेकिन जैसे डेवलप कंट्रीज हो गई, छोटी मोटी जैसे आपकी पाकिस्तान हो गई, इनके यहाँ पे अगर आप लग्जरी गाड़ियां खोलेंगे तो हो सकता है यहाँ पे इनकी डिमांड कम हो, टू बी वेरी फेयर, क्यों, क्योंकि जहां की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही हो, जहां की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हो, उस कंट्री में ऐसा स्टार्टअप करना जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट हाई है, डिमांड लो है, तो सप्लाई आपको बढ़ रहा है, क्लियर। तो वहां पे ऐसे ही चलेंगी, मतलब नैनो जैसी गाड़ियां वहां पे यही शुरू कर सकती है, क्लियर हो गया सबको। थ्योरी ऑफ प्राइस, अब एक सबसे अच्छी एक डेफिनेशन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, एक एक इसकी पढ़ूंगा, पहले कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर जिसको आप बोलते हैं कंज्यूमर का क्या, द एनालिसिस हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम टू डिफरेंट यूज सो दैट मैक्सिमम दिस सेटिस्फेक्शन, मैंने बोला था इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, वो कितना स्पेंड कर सकता है किसी कमोडिटी पे टू गेट द सेटिस्फेक्शन लेवल। अब भाई सेटिस्फेक्शन लेवल सर आप क्या बात कर रहे हो, हमें नहीं आ रहा समझ, भाई सेटिस्फेक्शन क्या होता है, देखो आप अगर फ्लाइट में जाते हैं, इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, हमें दिल्ली टू बॉम्बे जाना है, मात्र एक डेढ़ दो घंटे भी नहीं लगते पूरे, एक घंटा 55 मिनट, उसमें आप इकोनॉमी टिकट लोगे या फिर आप बिजनेस क्लास लोगे, बिजनेस क्लास लोगे तो क्वाइट ओवर 8,000 समथिंग रहेगी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप उसकी लेंगे इकोनॉमी क्लास की तो उसकी थोड़ी कम आएगी, ये आप पे डिपेंड करता है और आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक स्पेंड कर सकते हो, मनी को किस लेवल तक खर्च कर सकते हो, किस लेवल तक खर्च कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, तो जिस लेवल पे आप उसको खर्च कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, उस लेवल तक आप सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हो। भाई अगर आप बिजनेस क्लास के टिकट नहीं ले पाओगे तो आप जरूर छोड़िए, आप उसकी लोगे या कोई प्रेशर थोड़ी है, नहीं ना, आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर लोगे, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो मैं जा रहा हूं मर्सिडीज के शोरूम में मर्सिडीज खरीदने, ठीक है, मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया, रास्ते में मुझे जैगुआर या फरारी का शोरूम दिख गया, तो मैं इसका ये मतलब नहीं कि फरारी के शोरूम में घुस जाऊंगा, मैं अपना टेस्ट प्रेफरेंस और सेटिस्फेक्शन को देखूंगा। इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया, अभी ध्यान दीजिएगा, टेस्ट प्रेफरेंस और सेटिस्फेक्शन, जिस अभी टॉपिक और आएगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई, क्लियर। इट अनालिसिस हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, वही चीज आ गई थ्योरी ऑफ सप्लाई में, कितना उसने प्रोड्यूस करना है, क्लियर। अब अगर मैं इसको अपने प्रीवियस एग्जाम्पल से जोड़ू, लिंक करूं, तो आपको मैंने बताया था कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो छोटे छोटे देश होते हैं, वो थ्योरी ऑफ सप्लाई के ऊपर अगर वो फोकस करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब कितना उनको स्पेंड करना है अपना वो बनाने में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है सर हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है भैया साहब, बात है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में अलग चीजें चलेंगी, नो डाउट, बिल्कुल चलेंगी, मार्केट की कंडीशन अगर अच्छी है तो चलेगी और मार्केट की नीड्स है तो जरूर चलेगी, तो इसमें ये बात कहीं भी स्टैंप नहीं होती कि भाई सर आपने तो कहा था कि ये चलेगा ही नहीं, तो लेकिन वहां पे तो मर्सिडीज का शोरूम है, ये देखो, ये चीज नहीं होती, जरूर चलेगी और चलती भी होगी, बट रेशो थोड़ा कम होगा, मार्केट की डिमांड के हिसाब से रेशो बहुत कम होगा, मतलब मार्केट में उनकी डिमांड बहुत कम होगी, इफ वी आर कंपेयरिंग नेशन टू द अनदर नेशन, ठीक है। अब आप प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस इट्स अ स्टडी हाउ प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड डिटरमाइन इन द मार्केट थ्रू इट्स इंटरैक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड फोर्सेस, क्लियर हो गया,
ये वही चीज जो मैंने अभी आपको चीज में बताई थी भाई, वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सबको क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी भाई, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी है, उसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये किस चीज से रिलेट करती है, ये हमें किसकी थ्योरी के बारे में बताती है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इन दोनों के बारे में बताती है। ठीक, ये किसके बारे में बताती है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप एडी इक्वल्स टू एडी के बारे में देखोगे, सॉरी एडी इक्वल्स टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर। उसके बारे में देखोगे तो इसमें आपको बताते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम के बारे में आपको पता है और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी, क्लियर हो गया। हाउ एडी टक्स एएस, क्लियर। इसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और इसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड और एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, ये कब की सिचुएशन होगी, ये होगी जब एडी कम होती है एएस से, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड कम होती है सप्लाई से, क्लियर हो गया सबको। अब आपको पता होगा अगर हम इसकी बात करें, अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई, एडी प्रेजेंट थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अब हम किसी थ्योरी के बारे में, अच्छा हमें डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी बात कर ली, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी बात कर ली, अब करेक्शन डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इन द इकोनॉमी, जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसकी करेक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि किस चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी का आपको पता है, जैसे आपके एक्सचेंज रेट्स होते हैं उसके हिसाब से आपकी इकोनॉमी पे बहुत अच्छे तरीके से इस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका एक्सचेंज रेट अच्छा जा रहा है तो भी, बुरा जा रहा है तो भी, बुरा जा रहा है तो आपको पता है क्या होगा, सपोज करो आपके डॉलर की कीमत है, क्लियर, अगर डॉलर की कीमत हाई होती जा रही है, अगर डॉलर हाई होता जा रहा है तो आपका जो सप्लाई है, सॉरी अगर आपका डॉलर हाई होता जा रहा है तो आपका जो आयन आ रहा है इंडियन करेंसी वो कम हो रही है एक तरीके से, अगर डॉलर 70 to 75 जा रहा है तो आपने सुना भी होगा, कई लोग बोलते हैं जी बस। हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी जैसे आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, ठीक है ना, ये फोकस करता है किस चीज पे, मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, क्लियर। मॉनिटरी पॉलिसी फोकसिंग ऑन सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आपको पता है कमर्शियल बैंक कैसे वर्क करते हैं, आरबीआई कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट आगे आने वाले टाइम पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।
मॉनिटरी पॉलिसी तो आपकी होगी फोकसिंग ऑन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी कैसे मार्केट में आपको सप्लाई करनी है, कैसे उसका जो क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक कितना आरबीआई को देता है, आरबीआई अपने पास कितना रखता है कितना नहीं, और क्या क्या चीजें क्या क्या फंक्शन है प्रॉपर आरबीआई के, क्या क्या फंक्शन है आपके कमर्शियल बैंक के, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनेगी तो तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है, फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज को अगर आपको कभी याद नहीं रहता, देखो मेरे को ना कभी मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रही है इकोनॉमिक्स में, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताता हूँ, फिस्कल प्रॉब्लम मैं हमेशा भूलता हूँ। क्यों फिस्कल प्रॉब्लम, ये जो टर्म है ये मेरे को याद नहीं रहती है, मतलब सामने आती है तो मेरे को पता चल जाता है, लेकिन जब मैं इसको याद करता हूँ या लर्न करता हूँ तो ये फिस्कल जो टर्म है ये भूल जाता हूँ एग्जाम में। तो फिस्कल पॉलिसीज सिंपल सी बात बताता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते हो, फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी याद रखो। अब इससे फिस्कल आप समझ लो, फिस्कल आप अच्छा, फिस्कल डेफिसिट भी होते हैं, डेफिसिट क्या होते हैं आपके फाइनेंशियल की जो कमी पूर्ति होती है उस चीज की बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज है। फिस्कल पॉलिसी फाइनेंशियल पॉलिसी ये किस चीज से फोकस करता है या रिलेट करता है, गवर्नमेंट बजट से, क्लियर है, किस चीज से रिलेट करता है, गवर्नमेंट बजट से। भाई गवर्नमेंट जो प्रॉपर अपना बजट बनाती है इकोनॉमिक्स को देखती है, बनाती होगी भारत की या किसी भी देश की तो इकोनॉमी कैसी है, कितना पैसा हमें, कितनी मनी हमें कहाँ स्पेंड करनी है, हाउ मच मनी वी हैव टू स्पेंड ऑन द एजुकेशन सेक्टर, हाउ मच वी हैव टू स्पेंड ऑन द डेवलपिंग सेक्टर, मतलब आपके जो रोड्स वगैरह है, कंस्ट्रक्शन है, हाउ टू हाउ मच मनी यू हैव टू स्पेंड ऑन द हेल्थ सेक्टर, आपको हॉस्पिटल्स एम्स कितने बनाना है, क्या आपको फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटीज में आपको इंक्रीज करना है, अपग्रेडेशन करना है, और प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या करना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, जो आप मिड डे मील देते हो अपने स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को उसमें क्या क्या चीजें, मतलब जो आपका एजुकेशन में आगे, और बहुत सारी चीजें इन सब चीजों में आती है, किसमें आती है, फिस्कल पॉलिसी फाइनेंशियल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट अपना प्रॉपर बजट बनाती है कि आपको डिफेंस को कितना देना है और बहुत सारा। ठीक, तो चलते हैं फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्ते।